जापानीज लैंग्वेज सीखना शुरू करने वाले स्टूडेंट्स जब हीरागाना और काताकाना को सीखते हैं तो वो बेसिक सेंटेंसेस बनाने शुरू करते हैं और ग्रामर सीखना शुरू करते हैं, जो कि सही भी है। लेकिन तब आती है कांजी। कांजी का जो जब वो नंबर देखते हैं, इतनी सारी, इतनी बड़ी और इतनी मुश्किल कांजी है, तो वो जापानीज लैंग्वेज को बीच में छोड़ देते हैं या फिर वो थोड़ा डिमोटिवेट होके स्लो हो जाते हैं। तो आइए आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे 3 टिप्स जो कि कांजी को किस तरह से आप फास्ट सीख सकते हैं, सक्सेसफुली सीख सकते हैं, ये सिखाया जाएगा। मैंने पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं जिसमें कांजी को सीखने के तरीके के बारे में बताया, लेकिन ये वीडियो उन वीडियो की समरी के तौर पे समझ लेते हैं और इसको एंड तक देखते रहिए। हमें 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स सीखने को मिलेंगे। हाय, はじめまして、日本から来ましたりさこと申します。と日本語マックスで教師をすることになりました。よろしくお願いします。ムジェバハラッバホッパサンデヘ भारत बहुत पसंद है। वेलकम टू निहोंगो मैक्स, मेरा नाम है रवि। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर वन, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कांजी को जब हम सीखना शुरू करते हैं, तो आप उसके बड़े नंबर से ओवरवेल्म मत होइए, उसके बड़े नंबर से प्रेशर में मत आइए। कभी भी ये मत सोचिए कि इतनी सारी कांजी सीखूंगा तभी मैं जापनीज लैंग्वेज को सक्सेसफुली बोल पाऊंगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। कांजी जो है वो एक बड़ी हर्डल बनती है, लेकिन उसका उतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं होता स्टार्टिंग में जापनीज लैंग्वेज जब आप सीखना शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोज़ में भी बताया कि आपको कांजी को बहुत ज़्यादा लिख लिख के याद करना, और जब तक मैं लिखूंगा नहीं तब तक मुझे कांजी याद नहीं होगी, ये ना करके आपको स्टार्टिंग में, अच्छी बात है, ठीक है, जापानीज नेटिव भी इसी तरह से करते हैं कि लिख के वो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि वो जापान में रहते हैं और चारों तरफ कांजी ही कांजी होती है, चाहे वो बिल बोर्ड हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट बोर्ड हो, तो वो कांजी को पढ़ पढ़ के रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको पता भी नहीं चलता, और वो रिकॉग्नाइज कर करके ही कांजी को, देखिए 5 बार 6 बार 7 बार आप भी अगर कांजी को रिकॉग्नाइज करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसका मीनिंग और उसके सेंटेंस में किस तरह से यूज हो रहा है वो सीखने की कोशिश करेंगे, तो वो बेटर तरीका होता है। हाय,日本人は生まれた頃から、小さい頃から漢字に慣れ親しんで生活しています。と新聞にもテレビにも本にも教科書にも全て漢字が使われているので、と毎日漢字を読んで生活しています。पॉइंट नंबर टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, कांजी जब आप सीखना शुरू करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कांजी एक दूसरी कांजी से कंबाइन होके बनती है, जिसको जुको को बोलते हैं। पहले आप इंडिविजुअल कांजी सीखते हैं, उसके बाद कॉम्बिनेशन वाली कांजी सीखते हैं। तो देखिए, चाहे आप दिन में सिर्फ एक कांजी करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखेंगे अगर डेली आप परसिवियरेंस से इस प्रोसेस के पीछे लगे हुए हैं। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि एक प्रोसेस अगर आप पहले से ही देख लें कि बहुत बड़ा है और मैं इतने बड़े प्रोसेस को कंप्लीट कैसे करूंगा, ये ना सोच के अगर आप सिर्फ एक कांजी डेली का अपना टारगेट बनाएं और उसके जो कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे 6 7 कॉम्बिनेशंस हैं, मान लीजिए अताराशी की कांजी है, शिन साकु, शिंकी, शिंकी जिग्यो, इस तरह से 3 4 अगर आप कॉम्बिनेशंस के साथ एक कांजी का दिन में सिर्फ टारगेट बनाएं, तो इस तरह से कॉम्बिनेशंस को बार बार देख देख के आपको वो कांजी भी रिवाइज होगी और साथ साथ नई कांजी याद तो नहीं होगी लेकिन उसका रेफरेंस मिल जाएगा कि हाँ, ये मैंने पहले किसी एक कॉम्बिनेशन में देखी है। अल्टीमेटली घुमा फिरा के बात यही आती है कि आपको कांजी को देख देख के रिवाइज करना है। हाई,漢字には一つ一つ意味があって、その漢字と漢字を組み合わせることで熟語ができます。で、その熟語にもいろんな意味があったり、さまざまな意味が違うものや似たような意味の熟語ができます。なので、しっかり復習して一つ一つ丁寧に覚えていくことが必要です。अब आता है थर्ड पॉइंट, जिसका नाम है प्लैनेट लाइक अ प्रो। देखिए, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा साइकोलॉजी से रिलेटेड है। जापानीज लैंग्वेज सीखने के या फिर कांजी को सीखने के कई सारे तरीके हैं, इंटरनेट पर भी आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, nihongomax.com पर भी आप देख के प्लान कर सकते हैं, लेकिन खुद का एक प्लान बनाना बहुत जरूरी है। प्लान का क्या मतलब है कि अगर आपने मान लीजिए 500 कांजी सीखनी है, 300 कांजी सीखनी है, 1000 कांजी सीखनी है, तो वो बिना डरे अगर आप एक प्लान में बनाते हैं और उसको प्रॉपरली डिवाइड करते हैं और कंटिन्यूअसली उसके ऊपर लगे रहते हैं, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। सभी लोग सीखते हैं, जो फॉरेनर्स हैं वो भी कांजी सीखते हैं, इंडियंस भी सीखते हैं, इंग्लिश नेटिव्स भी सीखते हैं, इतना भी बड़ा मुश्किल काम नहीं होता। बात है प्लानिंग की। अगर आपने प्लानिंग करी है तो आपको पता है कि मुझे एक दिन में इससे ज़्यादा कांजी नहीं करनी है, लेकिन एक दिन में इससे कम कांजी भी नहीं करनी है। और अल्टीमेटली मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास वो प्लान बन नहीं पा रहा है तो जाइए nihongomax.com पर, जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक, N5 से लेकर N1 तक, सभी जगह
सभी कोर्सेज को प्रॉपरली डिवाइड किया गया है, प्रॉपरली प्लान बनाया गया है, उसकी एक क्लास को मुझे एक दिन में करना है या एक हफ्ते में करना है, इस तरह का आप प्लान बना सकते हैं। आपके लिए बना बनाया डिवाइडेड प्रॉपर मटेरियल आपको मिल जाएगा विद हिंदी एक्सप्लेनेशन, जिस तरह से मैं भी आपको हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसी तरह से मैंने हिंदी में पूरी अपनी नॉलेज और दूसरे लोगों की भी नॉलेज को इन्वॉल्व करके nihongomax.com पर अपनी पूरी पूरी गाइडेंस देने की कोशिश करी है, तो आज ही जाकर देखिए। हाय, 日本人は昔から漢字に慣れ親しんで生活しているんですけれども、もちろんしっかり練習して覚えています。読んで書いて意味を覚えて熟語を覚えて、こういうプロセスを経て漢字を読めるように書けるようになっていきます。なので漢字を覚えるにはしっかり勉強のプロセスを立てて計画的に学習していくことが必要です。諦めずに漢字の練習を頑張りましょう。 Exact Japanese Sekenge。हाई, सो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आपको ये भी पता चला होगा कि कांजी को किस तरह से हमें बेसिकली डिवाइड कर करके पढ़ना है। अचानक ही सारी कांजी कोई भी नहीं कर सकता है, थोड़ा थोड़ा टारगेट बनाइए तो आपको आगे जाके मोटिवेशन बनी रहेगी, कभी भी वो गिरेगी नहीं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के साथ साथ आप हमारे रिलेटेड वीडियोज़ को भी देखिए, ताकि आपको ये पता चले कि सिर्फ कांजी नहीं, ग्रामर किस तरह से याद करते हैं या nihongomax.com पे किस तरह से कोर्सेज है, आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। お疲れ様です。ありがとうございます。